हनुमान जी के जीवित होने का प्रमाण तो आपने कई वीडियो में देखा होगा, कई न्यूज में सुना होगा, कई समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि हनुमान जी आज कलयुग में जिस पर्वत पे निवास करते हैं उस पर्वत को क्या कहते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल शर्मा और आप देख रहे हैं कपिल शर्मा व्लॉग। आज के इस वीडियो में हम उसी पर्वत के बारे में जानेंगे, आइए शुरू करते हैं। रामेश्वर गंधमादन पर्वत जो कि कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है, वहाँ आज भी हनुमान जी निवास करते हैं। मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर एक जगह है जहाँ हनुमान जी आज भी निवास करते हैं। हनुमान जी के इस निवास स्थल का वर्णन कई ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। हनुमान जी को माँ सीता से अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था। जब वे श्री राम जी का संदेश लेकर माता सीता के पास पहुँचे थे तब माँ सीता ने उन्हें अमर होने का यही वर दिया था। पुराणों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। एक कथा के अनुसार अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन पर्वत के पास पहुँचे थे। एक बार भीम ने सहस्त्र दल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुँचे, तब उन्होंने हनुमान जी को वहाँ आराम करते हुए देखा तो भीम ने उनसे अपनी पूँछ को मार्ग से हटाने के लिए कहा। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम सही ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी हनुमान जी की पूँछ को नहीं हटा पाया था। शास्त्रों में बताया गया है कि गंधमादन पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है जहाँ महर्षि कश्यप ने तपस्या की थी। इस पर्वत पर गंधर्व, किन्नरों, अप्सराओं और सिद्ध ऋषियों का निवास है। इसके शिखर पर किसी भी वाहन से पहुंचना असंभव माना जाता है। गंधमादन पर्वत हिमालय के कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर है। यह पर्वत कुबेर के राज क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में गजदंत पर्वतों में से एक उस काल में गंधमादन पर्वत, आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाकों में है। इसी नाम से एक और पर्वत रामेश्वरम के पास भी स्थित है जहाँ से हनुमान जी ने लंका पहुँचने के लिए समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। गंधमादन पर्वत पर एक मंदिर भी बना हुआ है जिसमें हनुमान जी के साथ श्री राम जी की मूर्तियाँ विराजित है। कहते हैं इस पर्वत पर भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ बैठकर युद्ध के लिए योजना बनाया करते थे। लोक मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत पर भगवान राम के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। किताबों के माध्यम से जो भी जानकारी मैंने अर्जित की थी वो मैंने आपके साथ में साझा की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। जय हिंद।